सब मिल रहा है। आज यहीं पर धामा के फाउंडेशन की तरफ से भी यहाँ सम्मेलन किया जा रहा है, जो प्रदर्शनी लगाया जा रहा है, बहुत खूबसूरत है। लोग दूर दराज के लोग भी यहाँ शरीक हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं रतन देव जी किस क्षेत्र में आप बहुत पेड़ पौधे बहुत सारे में देख रहा हूँ और आर्टिकल का क्षेत्र कैसे ये आप आगे आए? मैं तो पहले बोलूँगा कि पहले आपको अपना ध्यान में ये लाना है क्या करें पेंटिंग का। अगर आप चाहें मिट्टी में भी पेंटिंग कर सकते हैं, आपको पहले सबसे पहले आपको ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम किसमें करें कैसे करें, उसके लिए आपको एक वे ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आप काम करते जाइए, ठीक है, काम करते करते आपका डेवलप जैसे भी आएगा आपको मालूम हो जाएगा कि हम पहले इतना किए थे तो ऐसा ऐसा खराब हुआ था, लेकिन अब मेरा इम्प्रूव हो रहा है, तो तब जाके आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। रतन देव जी, आप जो है कितने साल से आप पेंटिंग कर रहे हैं? मैं जब एकदम छोटा, मतलब पेंसिल ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था, तब से मैं पेंटिंग का शौक में। तो क्या आपने क्या क्या अभी तक अवार्ड जीत लिए? मेरा 2 इंटरनेशनल हो गया, 3 नेशनल हो गया, बाकी आगे देखते हैं आगे कितना। तो कौन सा आप आज यहाँ कौन सा मिला है? ये तो सर्टिफिकेट है, क्या पार्टिसिपेट किए हैं इसके लिए सर्टिफिकेट ये देता है। तो कितना आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, ठीक है, आगे जाके इस तरह से आप ये देश का एक अलग साख बढ़ा रही हैं, तो इसे लेकर आप जो है किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत है जो अपने देश के नवयुवक आगे बढ़े? देखिए, पेंटिंग हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आदमी का जब जन्म होगा उसके बाद सभ्यता जैसे आगे बढ़ते चले तब से पेंटिंग का शुरुआत है। पहले वो लोग शिकार करने के लिए पेंटिंग बना के गुहा में उसको देख के वो शिकार करते थे। जी रतन जी, आपका कौन सा है पेंटिंग? मेरा ये वाला है, ठीक है, ये ओरिजिनल लीफ है। ओरिजिनल लीफ को हम काट के ऐसे बनाया, ठीक है, ये हमने लीफ मेरा पहला एग्जीबिशन है। मैं तो कलकत्ता में ये एग्जीबिशन बहुत सारे किए हैं। ये हमें टारगेट है कि इस साल हम कलकत्ता छोड़ बाकी इंडिया के हर एक राज्य में जाएंगे मेरा एग्जीबिशन करने के लिए। देखते हैं कितना होता है बाकी सब। मैंने सुना है कि रतन देव जी आप एक नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है। हाँ, मैं तो क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। पिछले साल देखो कोलकाता नाम था, कोलकाता एक उनका एक ऑर्गेनाइजेशन वो एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए थे, तो हम वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे और अवार्ड भी मिला था मेरे को। उसके बाद एक ऑनलाइन में भी एक ऑनलाइन में 2 अवार्ड मिला है मेरे को, इंटरनेशनल का और नेशनल का मिला भी, एक पेडी लाइट का भी है। वो स्पेशल सम्मान था जो मैं मेरा स्कल्पचर के लिए हमारे कलकत्ता में तो दुर्गा पूजा होता है बहुत धूमधाम से था, तो उस पूजा में हम एक मूर्ति बनाए थे थर्मोकोल का, ठीक है, तो वो पेडी लाइट ने देखा था, वो देख के पेडी लाइट ने हमें सिलेक्ट किया। कलकत्ता का 150 आर्टिस्ट को वो अवार्ड मिला, मैं भी एक शामिल था। ये मेरा गर्व का एक बात है क्योंकि पूरा कलकत्ता में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ये करते हैं, लेकिन उनमें से मेरा भी एक नाम जुड़ गए जिससे मैं पेडी लाइट का भी आधार आपका भी अवार्ड। रतन देव जी, मैं आप कह रहे हैं कलकत्ता से विरोध करता हूँ, कलकत्ता तो आर्ट का गर्व है, आर्ट का तो बच्चों में जो है डिजाइन भरी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ अगर जो है बच्चा पैदा होता है वो भी डिजाइन से भरा होता है, तो इसके क्षेत्र में और कितना ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं? जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि कलकत्ता के लोग विभिन्न तरह की मूर्तियाँ बनाने में आगे हैं और इस क्षेत्र का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और जो है कलकत्ता लोग बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो इसे और कितना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो एक बात यह है कि अगर हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कुछ पैसा नहीं करेंगे, हर एक को प्रदर्शन करना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, जो जितना अच्छा काम करेगा उसका उतना अच्छा नाम ख्याति मिलेगा, और काम में अगर आप मानो कि मैं एक अवार्ड मिल गया तो हमको सोचेंगे मैं बहुत बड़ा हूँ, ये कभी नहीं करूँगा आपको
नहीं आना चाहिए, अगर ये आ गए तो आप आगे नहीं जा सकते। आपको बस ये मानना चाहिए कि मैंने अच्छा कोशिश की तो आगे चल के इससे भी अच्छा करेगी। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा काम भी ड्राइंग का ही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा आखिरी सांस तक हम हाथों में ब्रश धूली काला लेके आखिरी तक, तो मैं ये मैं पूरा लाइफ ड्राइंग में ही कटाना चाहता हूँ, बिताना चाहता हूँ। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। रतन देव जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो कला है अपने देश का, आज लोग जगह जगह पहचान इसकी बढ़ती जा रही है और लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, क्या है बताना चाहते हैं? देखिए, कोई बड़ा नहीं है, जो जिसमें जाना चाहते हैं उन्हें जाना चाहिए। एक इंजीनियर जो छोटा था तब से वो सोचा कि इंजीनियर बने, अगर वो इंजीनियर में अच्छे तो इंजीनियर ही बने। तो मैं छोटा जब था तब से मैं ये ड्राइंग में मेरा अच्छा ध्यान था, और मैं सोचा कि वो एक आ रही है। ड्राइंग में बहुत सारे लाइन हैं, किसी एग्जीबिशन या फोटोग्राफी ये ड्राइंग नहीं है, बहुत सारा लाइन है। अगर आप एनिमेशन करना चाहते हैं, एनिमेशन करना चाहते हैं, वेब डिज़ाइन भी कर सकते हैं, सब में ड्राइंग चाहिए। आर्ट तो सभी में चाहिए, हम जो ड्रेस पहनते हैं उनमें भी आर्ट है, जो ड्रेस डिज़ाइनर है उनको भी ड्राइंग जानना ज़रूरी है। इसलिए हम ये बात सबसे बोलना चाहते हैं, आर्ट कॉलेज में पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो दिखा पाएगी, दिखा पाएंगे जी। तो रतन जी, आप हमें कॉलेज ज्वाइन किए तब लिखा पाया? ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर शिल्प है, प्रतिभा है, तो वो कॉलेज जाओ या ना वो ऐसे ही आए। अगर तुम चाहो, मैं किसी आर्ट कॉलेज नहीं गए, मेरा ये मानना है कि आर्ट कॉलेज जाने से आर्टिस्ट नहीं बनते, क्योंकि अगर हम आर्ट कॉलेज पास हैं इसीलिए हम आर्टिस्ट हैं, ये अगर हम सोचेंगे तो ये गलत है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के बहुत बड़ा एक हस्ती है आर्ट में भी, वो आर्ट कॉलेज नहीं गए थे, उन्होंने आर्ट कॉलेज बनाया है शांतिनिकेतन, जो वर्ल्ड में फेमस है। जामिनी आर्ट कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन उन लोगों को लेके अभी जो लोग आर्ट कॉलेज जाते हैं उन लोगों को लेके पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे अंदर प्रतिभा है तुम आर्ट कॉलेज जाओ या ना जाओ, वो प्रतिभा ऐसी बाहर आएगी अगर तुम चाहो। तुम अगर डिप्रेशन में भूगोगे कि मैं तो आर्ट कॉलेज नहीं गया, ये क्या होगा मेरा आर्ट तो नहीं, बस तुम करो, तुम ट्राई करते रहो, ट्राई करोगे एक दिन तुम्हें सक्सेस मिलेगा जरूर। रतन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत से लोग होते हैं कि क्षेत्र आधी दूरी चले आते हैं, लेकिन वो जब उन्हें प्रतिभा नहीं मिलती या उन्हें एक पहचान नहीं मिलती या उन्हें निराशा पर भी जरूर आता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जब छोटे थे तब स्कूल में एक अंग्रेजी स्टोरी था, रॉबर्ट ब्रूस स्टोरी का नाम, वो एक राजा था, वो युद्ध में हार गए, उसके बाद बंदी बना, तो वो गुफा में बंदी था, तब वो देखा कि सिकंदर, तो देखा कि एक मक्खी बार बार गुफा में ऊपर उठना चाहते थे लेकिन गिर जाते, उठना चाहते थे गिर जाते, करते करते एक टाइम ना वो ऊपर चढ़ गए, तो उसको देख कर उन्होंने शिक्षा दिया कि मैं एक बार हार गई दूसरी बार लड़ूंगा, हार गई तीसरी बार लड़ेंगे, ऐसे करते करते हम एक दिन जीतेंगे ज़रूर, ये एक दिन जीतेंगे ज़रूर, ये नहीं मन से बोलना चाहिए। हम जो बाल देखते हैं ना, जो बाल जलता है हमको लाइट, वो बहुत बार ट्राई करने के बाद सौ बार ज़्यादा कुछ मिलता है, फिर ट्राई करते रहो, ट्राई नहीं कर सकते हम तो आदत बहुत सारे, हमें नाम भी नहीं मिला, पहचान भी नहीं मिला, छोड़ देते हैं, छोड़ दिए तो छोड़ना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप संबंध में नाव लेकर हल गए हो और बीच धार में आ गए तो ना इधर के हुए ना उधर के हुए, अगर छोड़ तो आप बीच में तो ठीक है, चल जाते हम और भी आपसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, अब 24 फरवरी को ब्रह्म महोदय जी आ रहे हैं,
उनका सबसे पहले हार्दिक स्वागत और शुक्रिया देशवासियों का की तरफ से हार्दिक स्वागत। आप क्या कहना चाहते हैं शुभकामनाएं? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि पहले तो मैं ये बोलूँगा कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताकत बड़ा वो हमारे इंडिया में आ रहा है, ये हमारा गर्व का बात है। हमारा मोदी जी भी ताकतवर है, इसलिए शायद उन लोगों का दुश्मन बस जमती है। हम चाहते हैं कि अगर ऐसे बड़े बड़े देश में स्वागत करने की 2 महीने आगे या 1 महीने आगे उस इलाका का डेवलप जी, इसके लिए हमें क्या हर बार किसी ना किसी को आना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि अगर बड़ा हस्ती आएगा तभी आप डेवलप करेंगे, ये तो नहीं ना। हम लोग भी तो बड़ा नहीं है, छोटा है, हमारे वोट से आप जीते। पहले आपको सोचना चाहिए कि हम ओरिजिनली देश के अंदर जो नागरिक उनके लिए डेवलप करेंगे, जो आएगा वो डेवलप देख के खुश होगा कि वो आ रहा है इसलिए हम डेवलप कर रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे तो हम मोदी जी को बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात मुझे जमी नहीं। बाकी तो बहुत अच्छा आदमी है, और मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये देश में अभी जो चल रहा है बात हम कुछ हम सब भाई भाई ये मानते हैं राष्ट्रीयता को और एक बात किसी को भी जो देश से नहीं हटा रहा है इतना शोर शराबा इतना। देखिए हमारे कोलकाता में क्या हुआ, 5 ट्रेन को आग लगा दी, 5 ट्रेन जला दिया, लॉस किसको हुआ? हम जैसे आदमी को लॉस हुआ ना, हमारा टैक्स ही वो बनता है, तो जिन्होंने आग लगाया उनका भी टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा अभी, ये तो रूल्स। तो ऐसे कैसे हो सकते, शांति से सब कुछ भी शांति से आगे चल के देखते हैं क्या होता है। शांति तो कोई चाहते हैं, बाकी तो सवाई के ऊपर सब ज़्यादा हो जाता है जी। रतन देव जी आपका कहना है अच्छे बनो, नेक बनो, और स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये बोलते थे अच्छे काम करो, अच्छे बनो, हिंसा मत करो, हिंसा कभी किसी का हल नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है, गांधी जी ने भी बोला है, नेताजी भी ने ये बोला है, तो ये बोला शांति से सब कुछ करना है और एकता चाहिए। अगर एकता नहीं जी, अपना देश जो है लोकतंत्र का मजबूत विश्व में सबसे बड़ा नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।